सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। लखनऊ में संपन्न हो रहे 3 दिवसीय G20 सम्मेलन में देश और विदेश से आए सैकड़ों इन्वेस्टर्स ने कई MOU साइन किए हैं। यूपी में आए निवेशकों ने कई लाख करोड़ का इन्वेस्ट करने का भरोसा भी जताया है। वहीं इस समिट पर जनता क्या सोचती है, इस पर प्राइम टीवी की टीम आम जनता के बीच गई और वहां जाकर जाना कि इस समिट पर आम जनता की क्या राय है, चलिए सुनते हैं। इसमें क्या कहना है, अभी जो जैसा ग्रोथ है, जैसा चल रहा है, कई देशों कंपनियां आई हुई हैं, कई लोग बिजनेसमैन जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आगे देख तो क्या होता है, इसमें ग्रोथ है, यूज होगा या नहीं होगा, अब इसी के लिए है। बाकी अभी तो चल ही रहा है सब, 90% जो है ना जितना युवक नवयुवक क्या सब बेरोजगार है, बेरोजगारी इस टाइम बहुत ज़्यादा है। अगर इससे कुछ मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, आने वाले टाइम पे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, विकास होगा। अगर जैसे दिख रहा है तो लग रहा है कि होगा, बाकी तो कुछ क्या कहें कंपनियां। रोज़गार के लिए यही कहना चाहेंगे कि जो दिल्ली से उद्योगपति आए हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग आ रहे हैं, शायद कुछ ना कुछ तो होगा, इसीलिए जो है सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सर, रोज़गार तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, यूपी के अंदर युवा दर दर ठोकर खाता फिर रहा है। सर, दावे हो रहे हैं, दावे तो सर कब से हो रहे हैं बताओ, 2000 फिर अगला इलेक्शन आ रहा है फिर से, तो फिर बताओ कहाँ जॉब मिल रही सर, इतना बेरोज़गार हो गया युवा, नज़र भटकना पड़ा जी। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है तो कुछ तो आसार लग रहे होंगे। सर देखते हैं अब आगे कुछ क्या होता है। देखो सर जी, ये तो सब दावे हैं, अब जैसे जैसे चुनाव आएंगे इनके दावे बढ़ते चले जाएंगे और मिलता उलाता कुछ नहीं, अब ये वादे कर देंगे उसके बाद कुछ नहीं मिलना, ये भर्ती करा देंगे आदमी बीच में छोड़ देते हैं, भाई यही चलता आ रहा है इनका पहले से ही, जैसे जैसे इलेक्शन आएगा इनके वादे बढ़ेंगे और कुछ नहीं है, आज से नहीं पहले से इनका ये चलता आ रहा है। युवा तो धक्के खा रहा है, क्या कर रहा है युवा, इधर से उधर भाग रहा है, पैसे फूक रहा है, इतनी दूर दूर तक इनके फिजिकल दिवाते हैं ये, 800-900 किलोमीटर इतना पैसा बर्बाद होता है आदमी का आने जाने में, हमको भी ले लो फिर बीच बाज में इनका एक आधा पेपर भी लीक हो जाए उसमें बच्चा परेशान होता फिरता है बहुत। नहीं तो अभी दावे तो हुए हैं क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है इतना अरबों का, रोजगार की बात हो रही है, कुछ बदलेगा यूपी में, क्या लग रहा है आपको। देखो जी, जैसा अभी तो ये बाद ही चल रहे हैं, देखो अगर होता तो उसके बाद देखेंगे। आपके लेखपाल का एग्जाम हुआ था, इसमें बहुत लीक हुआ पेपर, सरकार चुप है, हल्की माड़ी बोल देती है जो भी कुछ है। लग तो रहा है कि बदलाव होगा, पहले से काफ़ी अच्छा काम कर रही है सरकार और उम्मीद तो यही है कि यूपी में नौकरियां पैदा होंगी, योगी जी और मोदी जी के जो वादे हैं वो करेंगे, 2024 में इलेक्शन भी है तो देखते हैं 1-1.5 साल में कितना काम होता है, उसी हिसाब से फिर देखा जाएगा। क्या मतलब इलेक्शन को लेके ऐसे कुछ लग रहा है कि या फिर कि ये सरकार कुछ बदलना चाह रही है। नहीं, सरकार ने काफ़ी कुछ बदला है पहले के मुकाबले, सारी सरकारों ने कुछ ना कुछ बदला है, इस सरकार ने भी काफ़ी कुछ काम किए हैं और उम्मीद है कि आगे आने वाली जो भी सरकारें होंगी वो भी काम करेंगी, भारत के लिए अच्छा काम होगा, भारत का नाम हो रहा है, भारत का नाम है तो हमारा भी नाम है। तो काफ़ी अच्छी है कि सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, थोड़ा बदलाव भी आया है और काफ़ी यूपी में सुधार भी हुआ है और काफ़ी अच्छा रहा है। जी हाँ, रोजगार के अक्षर बढ़ेंगे और बहुत ही काफ़ी सुधार हुआ है मोदी जी के आने से, और भी आगे बढ़ेगा सुधार, और हमें बहुत ही अच्छा लगा मोदी जी के रहने से, बहुत ही काफ़ी सुधार हुआ है। योगी जी के, योगी जी भी बहुत अच्छा काम किए हैं जो भी किए हैं, और निर्माण और आगे होता रहेगा, रोजगार के संबंध में बहुत ही अच्छा, विदेश में भी उनका नाम है बहुत। यूपी में इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है, तमाम लाख दावे हो रहे हैं, तमाम लाखों करोड़ों अरबों के इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं, तमाम सैकड़ों कंपनियां भी आई हैं यूपी में और विकास की बात कर रही हैं। आज हम राजधानी लखनऊ में हैं और इस वक्त मौजूद हैं यहां पर, हम लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे क्योंकि युवा कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टमेंट को लेकर उसमें एक बहुत बड़ी उत्सुकता भी नज़र आ रही है। हमारे साथ कुछ यूथ भी हैं और कुछ महिलाएँ भी हैं, पहले यूथ से बात करेंगे। ये बताइए, इन्वेस्टर समिट चल रहा है, कुछ जानकारी तो होगी आपको इस बारे में, कुछ जानकारी है, मोदी जी आए थे यहाँ पर लखनऊ में, चल रहा है
लाखों का इन्वेस्ट हो रहा है, कंपनीज आ रही हैं, क्या लगता है रोजगार बढ़ेगा इससे? डेफिनेटली इट विल इंक्रीज, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स लाइक कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है. सो इफ इट विल बी लाइक सिंस आर मोदी जीज प्लान इज $5 trillion इकोनॉमी इन आर करेंट फ्यूचर, सो इफ इट हैपन्स देन श्योरली द यू नो एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज. बट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर वी स्टिल हैव टू वर्क अ लॉट, बट यू नो लाइक इन द करेंट सेक्टर वी आर डूइंग वेल इन द आई टी सेक्टर, बट we still need to go for production. So if the production increases and if the investment also increases, then surely we'll you know the employment will increase for sure. That's all what I think. Thanks a lot. aap bataiye kya lagta hai, rozgar badhega aur kya kaisa lag raha hai lakhnow mein investment ho raha hai, UP में हो रहा है, इन्वेस्टर समिट हो रहा है, कैसा लग रहा है? जी जी हो तो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, रोजगारी भी बढ़ेगी जी, उम्मीद भी है तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही, बढ़ेगा तो. क्या कुछ कहेंगे सरकार के लिए? अब मैं क्या, इट्स अ वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट गवर्नमेंट एंड आई विश इट शुड कम अगेन इन 2024. आप बताइएगा, बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है यूपी में, तमाम कंपनीज आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, लाखों अरबों का इन्वेस्ट हुआ है, क्या लगता है इसमें कुछ अलग सा होगा यूपी में? नहीं, अगर हो रहा है इन्वेस्टमेंट तो बहुत अच्छी बात है सबके लिए, लेकिन जो शॉपकीपर्स लेवल का आदमी है वो बहुत, मतलब बिल्कुल उसकी डेथ हो रही है, समझिए बिजनेस नाम की कोई चीज़ नहीं बची है यूपी में, लखनऊ में मतलब खासकर. हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उनको भी फ़ायदा होगा, शॉपकीपर्स लोगों की मतलब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो शॉपकीपर्स का भी जो है अच्छा रोजगार रहेगा. बदलाव किस किस में देखना चाह रहे हैं सर? रोज़गार मिले स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन के फैसिलिटीज़ और बढ़े, क्योंकि फीस इतनी हाई है कि बच्चों को, जब रोज़गार नहीं है हम लोगों के पास तो बच्चों को हम कैसे अच्छा शिक्षा दे पाएंगे, क्योंकि शिक्षा यहाँ की बहुत महंगी है, गवर्नमेंट इस पर कोई काम नहीं कर रही है. जो खासकर हाईली एजुकेशन है वो बहुत महंगी है, बहुत महंगी है. ये बच्चा जो है आपके सामने खड़ा है, दो बार जेई मेंस पास कर चुका है लेकिन जो है अपने मतलब आ चुका है लेकिन जो है इसका किसी कॉलेज में नाम नहीं आया, क्योंकि 99% लोग मांगने कट ऑफ और इसकी 92% आई है उसके बाद, और प्राइवेट में जो है इतना अफोर्ड नहीं कर सकता आम आदमी. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है घर की और ये भी कुछ बदलाव चाहेंगी, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कुछ इनसे भी राय ले लेते हैं. ये बताइए मैम, क्या नाम है आपका? मैं आई एम डॉक्टर रिजवाना जमाल. मैम, क्या कुछ बदलाव देख रही हैं यूपी में? इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लाखों अरबों का इन्वेस्टमेंट होगा और मोदी जी भी आए थे और तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज राष्ट्रपति जी आ रही हैं, समापन करेंगे, तमाम कंपनीज आ रही हैं यूपी में, क्या लगता है कुछ बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव संभव है? देखिए, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी और मैं इसके लिए अग्री हूँ कि हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है और मैं यही चाहती हूँ. जैसे कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, हमारे पास अभी सरकारी नौकरी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और शायद हम लोगों का भी बहुत अच्छा होगा और हमारे स्टूडेंट्स का भी अच्छा होगा. जब स्टूडेंट्स का अच्छा होगा, सरकार अच्छा करेगी तो जाहिर सी बात है कि हम सबका भी इसमें कहीं ना कहीं अच्छा होगा और इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए इसमें. किन सेक्टर में आप मोस्टली चाहती हैं कि बदलाव हो? सबसे ज़्यादा तो देखिए, मैं अगर शिक्षा के क्षेत्र की हूँ तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में चाहूँगी कि बदलाव आए और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आएगा. यदि कंपनीज आ रही हैं बाहर से तो हो सकता है कि हमारे जो बेरोज़गार युवा हैं उनको अच्छा रोज़गार मिलेगा और जब रोज़गार मिलेगा तो शायद नहीं और ज़रूरी है कि हम सभी के लिए अच्छा होगा. चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है. कुछ और महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे. ये मैम है, मैम क्या शुभ नाम है आपका? जूही हुसैन. मैम, आप लोग साथ में आए हैं, जैसा कि मैम ने कहा कि बदलाव चाहती हैं शिक्षा में, तमाम और सर ने भी कहा वो एजुकेशन में बदलाव चाहते हैं और तमाम जो चीज़ें महंगी है, तो मैम क्या लगता है कि आप किस चीज़ों में बदलाव चाहती हैं? यूपी में तमाम इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही इन्वेस्ट हुआ है, कंपनीज आ रही, क्या लगता है आपको कुछ बदलाव होगा? बहुत ज़्यादा बदलाव होगा, महंगाई बस थोड़ी कम हो जाए, बहुत ज़्यादा है, लोअर क्लास के लिए बहुत ज़्यादा है. क्या लगता है कि सरकार जो है कंपनीज ला रही है यहाँ पर, कंपनीज आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है, तो किन किन चीज़ों में आप बदलाव के साथ क्या कुछ देखना चाहती हैं, क्या कुछ यूपी में बड़ा देखना चाहती हैं, बदलाव देखना चाहती हैं? बड़ा बस लखनऊ सुंदर होना चाहिए और सबको बेरोजगार हैं उनको काम मिलना चाहिए
यही सब है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये एक और मैम है, इनसे भी बात कर लेते हैं। मैम क्या शुभ नाम है आपका? जी तंजीम आलम। मैम जैसा कि मैम ने कहा कि महंगाई कम हो, सर ने कहा एजुकेशन हो, आपकी भी कुछ राय होगी। इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, बहुत बड़ा आयोजन है ये और अरबों खरबों का है, तो क्या लगता है आपको, आपकी क्या पर्सनली राय है? मुझे बस यही है कि महंगाई कम हो जानी चाहिए, और वैसे तो हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है सब कुछ, और पढ़ाई में भी थोड़ा अच्छा वो होना चाहिए। और कुछ नहीं चाहेंगी? बहुत कुछ अच्छा होना चाहिए, यही चाहती हूँ मैं। कैसा लग रहा है लखनऊ में इतना अच्छा आयोजन हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर बना दिया भाई हमारे लखनऊ को। आप इस समय देखिए कितना सुंदरीकरण हो रहा है, पुराने लखनऊ में चले जाइए तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पुराना लखनऊ है, बहुत सुंदर तरीके से उसको बना दिया गया है। कुछ अपील नहीं करना चाहेंगी लोगों से? नहीं नहीं, मैं अपील करना चाहूँगी कि जैसे सरकार अगर हाथ बढ़ा रही है सारी चीज़ें अच्छे करने के लिए, तो हम जनता की भी ये जिम्मेदारी है कि हम लोग भी उसमें पूरा सहयोग दें, और बस महंगाई कम हो, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा हो, और लोगों को रोज़गार मिले। महंगाई बहुत मेन, तो अहम पॉइंट यही है कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ कुछ फैमिली, और हमने इनसे पहले भी कुछ लोगों से राय जानी जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि इन्वेस्टमेंट समिट जो हो रहा है वो बेहद ही खुश है, और उन्हें लगता है कि यूपी में बहुत बड़ा बदलाव भी संभव है, साथ ही वो ये भी चाहेंगे महंगाई कम हो, शिक्षा के क्षेत्र में यूपी आगे बढ़े, भारत आगे बढ़े, और साथ ही साथ जो भी चीज़ें महंगी है और जो रोज़गार नहीं मिल पा रहा है लोगों को, उसमें बढ़ोतरी हो। कैमरामैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को यूपी सरकार सफल बता रही है, लेकिन इसका असर आम जनता और व्यापारियों पर कितना हुआ है, इसको जानने के लिए प्राइम टीवी के संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां उन्होंने आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, और इस आयोजन में लाखों करोड़ों रुपए का निवेश आया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कवायद की है, उसको लेकर के पूरे प्रदेश में विभिन्न देशों से राजदूत पहुँचे और यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का निवेश कर डाला। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए अब उनके मन में कोई भय नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए क्या लाभ है, जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, क्या लाभ व्यापारियों को मिलने वाला है? देखिए, ये जो इन्वेस्टर समिट हुई है, इससे सभी को लाभ मिलेगा, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे प्रदेश की जनता हो, चाहे सरकार हो, चाहे उद्योगपति हो, क्योंकि जब इतने निवेश के साथ उद्योग आ रहे हैं तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में ही उत्पादों को खरीदेंगे, क्योंकि जो उत्पाद बनेंगे वो बिकने के लिए निश्चित रूप से वो हैं। तो जब उत्पाद बिकेंगे तो व्यापारियों को ही बेचना है, फैक्ट्री जो है वो तो उत्पाद करेगी, लेकिन जो बेचने का काम है वो प्रदेश के व्यापारी ही करेंगे, तो निश्चित रूप से प्रदेश के व्यापारियों का भी व्यापार बढ़ेगा, और जो बड़ी इंडस्ट्री लगती है तो उसके साथ तमाम छोटी इंडस्ट्री भी लगती है। इसमें हम लोगों का एक विषय उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ये जोड़ना चाहता है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से उद्योगों को ध्यान दिया है, ठीक उसी प्रकार से थोड़ी सी चिंता ट्रेडिशनल व्यापारियों की भी करनी होगी। ये जो उद्योग लग रहे हैं, इसका अधिक से अधिक पार्ट ट्रेडिशनल व्यापारियों के जिम्मे ही रहे, ताकि ट्रेडिशनल व्यापारियों का व्यापार बढ़े। विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के चलते व्यापारियों का जो पार्ट है वो ई कॉमर्स में चला जाता है। हम लोग ये नहीं कहते कि ई कॉमर्स को बंद करना चाहिए, ई कॉमर्स व्यापार करने की नई विधा है, लेकिन प्रदेश में ई कॉमर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से विदेशी ई कॉमर्स कंपनियाँ प्रदेश के व्यापारियों को नुकसान पहुँचा रही हैं। तो जो ये उत्पाद बन रहे हैं, इसको बेचने का अधिक से अधिक मौका प्रदेश के व्यापारियों को मिले, ये आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से हम लोग की मांग रहेगी।
अभी तक ये होता था कि जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट अब हो रही है, पहले क्या होते थे तो जो फैक्ट्रियाँ होती थी वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से अन्य जिलों में लगाई जाती थी, बाहरी जिलों में हाईटेक सिटीज़ में होती थी। अब उत्तर प्रदेश में इस तरह का निवेश हो रहा है, इतने निवेशक अचानक आ गए हैं, जो सरकार का बजट होता था उससे 5 गुना पार कर गया है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर लगातार कार्य कर रहे हैं और ज़मीनी कार्य कर रहे हैं, तो इससे जो व्यापारी को फ़ायदा होना तो होना ही है और जनता को इससे क्या लाभ मिलने वाला है व्यापारी और जनता के बीच में? देखिए, प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए बहुत प्रयास किया है और जिस प्रकार से रोड शो वगैरह हुए हैं, जिस प्रकार से मेहनत की गई और जो हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में देखा कि किस तरीके से पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आए हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री जी उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की परिभाषा को बदलने का काम किया है। जब प्रदेश के मुखिया, परिवार के मुखिया का विज़न चेंज होता है तो निश्चित रूप से परिवार के अन्य सदस्यों का भी विज़न चेंज होता है। अभी तक की जो सरकारें काम करती थी उनके अंदर कहीं ना कहीं व्यापार और उद्योग की प्राथमिकता नहीं थी, बातों में कहा जाता था, शब्दों में कहा जाता था, लेकिन धरातल पर वो नहीं होता था। लेकिन इस समिट के माध्यम से हम लोगों ने ये महसूस किया कि प्रदेश सरकार जो कर रही है वो क्रियान्वयन में भी है, उसका बातों में भी है। MOU जो साइन हुए हैं, यदि उसका 50-60% भी धरातल पर आएगा तो निश्चित रूप से 3-4 साल बाद न केवल व्यापारियों का, पूरे सभी का फायदा होगा। हम लोग इस दृष्टिकोण से इसको देखते हैं कि जब निवेश आएगा तो वो निवेश कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ही लगेगा। उत्तर प्रदेश में लगेगा तो जो कंपनियां हैं रॉ मटेरियल खरीदेंगी, रॉ मटेरियल खरीदेंगी तो यहीं के व्यापारियों से खरीदेंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल जो होलसेल का है वो ई कॉमर्स पर नहीं रहता है, तो व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा। साथ ही साथ उन कंपनियों में प्रैक्टिकल ये होगा कि लोकल लेबर ही चाहिए होगी, तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जो जनता के तमाम लोग जो नौकरी की खोज करते हैं तो उनको उत्तर प्रदेश में ही नौकरी मिल जाएगी, जो हमारे यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं बल्कि दूसरे देशों में जाते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो UP कहीं ना कहीं 6वें नंबर का देश है, 25 करोड़ की आबादी है, तो हमारे युवाओं को यहीं पर नौकरी मिलेगी। जब उनको यहीं पर नौकरी मिलेगी तो निश्चित रूप से उन सभी लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो उससे व्यापार भी बढ़ेगा। जब व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, तो सरकार का GST भी बढ़ेगा। GST बढ़ेगा तो सरकार को अपनी योजनाओं को, जो भी सभी के लिए योजनाएं, चाहे वो सड़क हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो, तो उन योजनाओं को फलीभूत करने के लिए सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा कदम है मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की ये योजना बहुत सराहनीय है। ODOP को पूरे देश में लागू करने की बात कही है, ये भी बहुत अच्छा विज़न है। अब भारत को कृषि आधारित के साथ साथ इंडस्ट्री के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक की मैक्सिमम चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करते थे, हम चाइना से जो प्रतिस्पर्धा हमारी थी तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात थी कि चाइना में कुटीर उद्योग, ये सारे उद्योग बहुत ज़्यादा हैं, चाइना ने अपनी आबादी का इस्तेमाल अपनी इंडस्ट्री में किया था, जो यूपी की आबादी का या इंडिया की आबादी का नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लगता है कि इस इन्वेस्टर समिट के बाद जो यूनिट्स लगेंगी उसमें हमारे युवाओं का इस्तेमाल ठीक से हो पाएगा, हमारी मैन पावर, जो हमारी जनसंख्या जो है, हमारी जो कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचाती है, वो जनसंख्या हमारी अब प्लस में होगी और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और देश भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। संजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अगर पिछले दशकों में लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में निवेश करने से पहले व्यापारी सोचते थे, कहीं ना कहीं उन्हें भय रहता था, कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतें रहती थी, लेकिन जब से बाबा का बुलडोजर चला है प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और जो भू माफिया थे उनके खिलाफ, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब प्रदेश में व्यापारी महफूज अपने आप को देख रहे हैं या नहीं? ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रदेश सरकार ने बहुत ही उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य किया है। आज कोई भी संगठित अपराधी, जिसको हम लोग बड़ा अपराधी कह सकते हैं, वो मेरे ख्याल से कोई शेष नहीं है। तमाम लोग का काउंटर हुआ है और तमाम लोग जेलों में हैं। पहले अगर व्यापार मंडल के नाते से हम जानते हैं कि कई बार ऐसा तो कोई व्यापारियों के विषय होते थे तो किसी बनवास का फोन आता था, वो उसकी पंचायत करता था। तो आज की डेट में संगठित अपराधी कोई नहीं है, माफिया नाम से कोई नहीं है, कोई किसी की पंचायत करने वाला, कोई किसी से वसूली करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से व्यापारियों में, उद्योगपतियों में एक नया उत्साह जगा है और एक आशा की किरण जगी है कि जब हम अपने हमें कोई अपराध का भय नहीं है तो निश्चित रूप से
उसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, जिसकी वजह से आज जब प्रदेश की एक तस्वीर ऐसी गई है, बाबा योगीनाथ जी की जो छवि बनी है पूरे देश में वो एक अच्छी छवि बनी है और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की छवि उत्तर प्रदेश की बनी है। तो जिस तरीके से गुजरात में ज़्यादा यूनिट्स लगती थी, उद्योग लगते थे, अभी कुछ समय पहले तक यूपी के तमाम यूनिट्स उत्तराखंड शिफ्ट हो गई थी, तो मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार ने ये जो काम किया है तो अब उत्तराखंड और गुजरात के तरीके उत्तर प्रदेश में भी लगातार चीज़ें बढ़ेंगी और अपराध कम होने से, बल्कि कम नहीं अपराध समाप्त होने से, लेकिन रामराज तो कभी नहीं आएगा, लेकिन संगठित और बड़े अपराध जो हैं वो ख़त्म हो गए, माफिया ख़त्म हो गए, तो निश्चित रूप से इसका लाभ सरकार को भी मिल रहा है, व्यापारियों को मिल रहा है, व्यापारी निर्भय हो गए हैं। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी। इन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो कहीं ना कहीं अब भय का माहौल खत्म हुआ है, व्यापारी खुलकर अपना व्यापार कर रहे हैं, जिससे निवेशक भी उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। अभी जो निवेशक जो फैक्ट्रियां जो लगती थी वो कहीं ना कहीं बाहर उत्तराखंड गुजरात और क्षेत्रों में लगती थी और औद्योगिक क्षेत्रों में लगती थी, फिलहाल अब उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जहां पर ये निर्यात भी किया जाएगा, यहां पर फैक्ट्रियां भी लगेंगी, तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में लोगों का इसका फ़ायदा मिलने वाला है और बहुत जो फ़ायदे इस पे मिलने वाले हैं वो कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों को भी मिलने वाले हैं। फिलहाल इस इन्वेस्टर समिट के दौरान जो भी निवेशक यहाँ पर आए थे उन्होंने अपने अपने निवेश को उत्तर प्रदेश में लगाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि धरातल पर कितना उतरता है। कैमरामैन सुधीर के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।